इस बिल्डिंग में रहती हैं करिश्मा कपूर, और देख सकते हैं आप लोग ये जो बिल्डिंग है ये खार में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों फिर से आज हम आ चुके हैं मुंबई के बांद्रा में, और अभी हम खड़े हैं बांद्रा के बस स्टेशन पर। तो देखिए हमारे पीछे ये बस स्टेशन है, और इसके बगल में जस्ट बाजू में रेलवे स्टेशन है। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बेहतरीन एक्ट्रेस का घर। लगातार यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे थे कि करिश्मा कपूर का घर दिखाइए, तो आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको दिखाने वाले हैं कि करिश्मा कपूर मुंबई के बांद्रा में कहाँ रहती हैं, उनका घर कहाँ पर है, उनके घर की प्राइस क्या है, सब कुछ दिखाएंगे गाइज, और इनसाइड पिक भी आपको दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं मुंबई के खार में, और जस्ट हम खड़े हैं रोज क्वीन के सामने। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग करिश्मा कपूर का है, यानी करिश्मा कपूर इसी अपार्टमेंट में अपना घर लेकर रहती हैं। आपको बताएंगे कि वो कौन से फ्लोर पे रहती हैं, और पहले आप लोग इस बिल्डिंग का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, हर अपार्टमेंट पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर देखिए लिखा है रोज क्वीन। तो यानी ये जो घर है ना बहुत ही बेहतरीन है, और इसको चारों तरफ से ग्रीनरी से सजा दिया गया है। ये देखिए, ये है दूसरा गेट, और पहला गेट इसके अपोजिट है, और यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ भी वहाँ पर पार्क की गई हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में आपको करिश्मा कपूर के इस घर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और साथ में आपको इनसाइड पिक और जो भी वीडियोज रहेगी ना वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि करिश्मा कपूर कहाँ रहती हैं, तो इसी बिल्डिंग में करिश्मा कपूर रहती हैं, और देखिए दूसरा गेट वहाँ पर है। यानी आपको बता दें कि हर बिल्डिंग में ना दो गेट होता ही होता है। आपको हम बता दें कि इसी बिल्डिंग के आगे श्री बिल्डिंग है, और उस श्री बिल्डिंग के आगे कंगना रनौत की बिल्डिंग है, जिसमें कंगना रनौत अपना घर लेकर रहती हैं। ये जो करिश्मा कपूर का घर है ये रोज क्वीन अपार्टमेंट की बिल्डिंग के 10वें माले पर है, और इसकी प्राइस 10.11 करोड़ रुपए है। और ये घर जो है ना ये 1611 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और इसके अंदर का जो इंटीरियर्स है वो काफ़ी कमाल का है। आप सभी तो जानते ही होंगे कि करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में काम किया है, उनमें से कई फिल्में सुपरहिट भी रही हैं। करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे कि सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान जैसे एक्टर के साथ वो काम कर चुकी हैं। करिश्मा कपूर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, जिसकी वजह से आज उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनका जो ये घर है ये मुंबई के खार इलाके में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उनका अपार्टमेंट किसी आलीशान बंगले से कम नहीं लगता। उन्होंने अपने घर को जिस तरह से सजा कर रखा है, हर कोई उनके जैसा घर सजाना चाहता है। दरअसल करिश्मा कपूर सबसे ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताना पसंद करती हैं। अभी मैं आपको 10वें माले का भी नज़ारा दिखाऊंगा, जो करिश्मा कपूर का है, खुद का है, उन्होंने उस अपार्टमेंट को ख़रीद लिया है, तो वो ना इन सभी अपार्टमेंट से एकदम अलग है। गाइज आप सभी को पता होगा कि करिश्मा कपूर का 11 साल पहले ही तलाक हो चुका है। एक्ट्रेस ने अपने बच्चों के साथ मुंबई में इसी अपार्टमेंट में रहती हैं, और ख़ास बात यह है कि करिश्मा के घर के करीब ही इनकी बहन जो है करीना कपूर, उनका घर है। करिश्मा कपूर की जो बेटी है उसका नाम समायरा कपूर है, और जो बेटा है उसका नाम राज कपूर है, और वो दोनों अपनी माँ के साथ इसी बिल्डिंग में रहते हैं। बात करें इनके घर की, तो करिश्मा कपूर का घर अंदर से बेहद खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है। करिश्मा ने खुद अपने घर का इंटीरियर पसंद किया है। उन्होंने अपने घर में पूरे डार्क वुडन कलर का फर्नीचर बनवाया हुआ है। उनके घर का लिविंग रूम बेहद खूबसूरत है। उनके लिविंग रूम में वुड पैनल वाली दीवार लगाई गई है, जो काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। और देखिए जो मैं आपको सबसे ऊपरा माला यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा दूँ, देखिए वहाँ पर फैन भी लगा हुआ है। वो सबसे ऊपरा माला ना 10वीं मंजिल जो बिल्डिंग है वो पूरा का पूरा करिश्मा कपूर का है। जो आपको हम बता दें, इतना ही नहीं, इनके लिविंग रूम का सेंडिलियर भी उनको रूम का दुधिया रोशनी को से जो है चमका देता है। मतलब ना अंदर
पूरा व्हाइट कलर और बेहतरीन कलर से नाम आपको बता दें, कोई हम साथ सजा दिया। बीबी नंबर वन, फिजा और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में इन्होंने बहुत ही बढ़िया अभिनय अपना बिखेरा था। करिश्मा कपूर का जन्म जो है वो 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम रणधीर कपूर और माता का नाम बबीता कपूर है, और इनकी जो बहन है वो करीना कपूर है, और इनके परदादा अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। करिश्मा कपूर की कुछ और बातें आपको बता दें, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो अभिनेता ऋषि कपूर थे और राजीव कपूर वो इनके चाचा हैं, जबकि अभिनेत्री जो नीतू सिंह है यानी रणबीर कपूर की जो माँ है और रितु नंदा उनकी मौसी है। उसके पहले चचेरे भाइयों में अभिनेता रणबीर कपूर, अरमान जैन और आधार जैन और निखिल नंदा शामिल हैं। करिश्मा कपूर को लोग प्यार से लोलो बुलाते हैं। और दोस्तों, वहीं पर उनके पिता रणधीर कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी बेटी अभिनेत्री बने। बेटियों को अभिनेत्री ना बनने की चाह रखने की वजह से रणधीर कपूर का उनकी पत्नी बबीता कपूर से इतना बड़ा झगड़ा हो गया था कि करिश्मा की मां ने 19 सालों के लिए अपना घर छोड़ दिया था और अपने पति से बिना तलाक लिए घर वालों से दूर रह रही थी। कई सालों तक अलग रहने के बाद दोनों ने 2007 में सुलह कर लिया। फिलहाल अभी तो करिश्मा कपूर का तलाक हो चुका है, लेकिन इनके पति थे संजय कपूर, जो एक बिजनेसमैन और सोना ग्रुप के मालिक डॉक्टर सुरेंद्र कपूर के बेटे हैं, और ये दिल्ली में रहते हैं। जो इनके पति संजय कपूर थे वो करिश्मा से पहले उन्होंने नंदिता महतानी से साल 2002 में शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने करिश्मा कपूर से साल 2003 में शादी की और साल 2016 में फिर उन्होंने करिश्मा कपूर को भी तलाक दे दिया। साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर प्रिया सचदेवा से शादी की, जो अभी तक उनके साथ रह रहे हैं। करिश्मा कपूर के नेटवर्थ की बात करें तो 12 मिलियन डॉलर्स है यानी 87 करोड़ रुपए, और इनके पास भी कार कलेक्शन बहुत ही अच्छे हैं। इनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, लेक्सल एलएक्स 470, मर्सिडीज बेंज ई क्लास, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और ऑडी Q7, इनके पास काफ़ी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। करिश्मा कपूर के पास उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 630 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपनी काफ़ी संपत्ति स्मार्ट शेयर, इन्वेस्टमेंट संपत्ति सौदों और बेचने सौदों में निवेश करके रखी हैं। करिश्मा कपूर के दिल्ली में कई सारे रेस्तरा भी हैं। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि करिश्मा कपूर इस घर को बेचने वाली हैं और नए घर में शिफ्ट होने वाली हैं, क्योंकि पहले करिश्मा ने साल 2018 में अपना बांद्रा स्थित घर बेचा था, जिसकी कीमत एक्ट्रेस ने 1.39 करोड़ रुपए लगाई थी। जो ये बिल्डिंग है ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और जो इनका फ्लोर है ना वो तो और ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को करिश्मा कपूर का घर का पूरा व्लॉग दिखा दिया है कि इनका घर कहां पर है और किस बिल्डिंग में है, कौन से फ्लोर पे है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी खासियत क्या है। उम्मीद करूंगा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही गाइज मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।